नमस्कार, आप देख रहे हैं इंसाफ की आवाज। मैं पूनम हाजिर हूँ एक नई खबर के साथ। परसोटी के विभिन्न क्षेत्रों में व्याप्त गंदगी और बिजली व्यवस्था को लेकर आजसू पार्टी ने उपायुक्त से शिकायत करते हुए समस्या के समाधान की मांग की। आजसू पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल जिले के उपायुक्त से भेंट कर क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराते हुए मांग पत्र सौंपा, जिसके माध्यम से कहा गया कि बीते दिनों आजसू पार्टी ने गंदगी को लेकर विरोध किया था, जिसके बाद गंदगी हटाने का कार्य प्रशासन द्वारा शुरू किया गया, लेकिन अचानक दो दिनों से सफाई के कार्य में विराम लगा दिया गया, जिस पर पार्टी के मणिक मलिक ने कहा कि किसके दबाव में आकर प्रशासन ने कार्य पर रोक लगाई है। उन्होंने मांग की है कि अविलंब काम शुरू कराया जाए, अन्यथा इस मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरकर विरोध दर्ज कराएंगे। वहीं पार्टी ने मकदमपुर फाटक में हाई मास्क लाइट लगाने एवं क्षेत्र में सफाई करने की मांग की। आज हम लोग परसोड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत विगत कुछ दिन पहले हम लोग एक वहां पर जो क्षेत्र में गंदगी को लेकर एक आंदोलन किए थे, उसमें प्रशासन द्वारा तुरंत अविलंब उसमें कार्रवाई किया गया था। साफ सफाई पे जेसीबी से करवाया जाता, लेकिन किसके दबाव पर प्रशासन फिर कार्य को रोक दिया गया और आज भी गंदगी वैसी का वैसी पड़ा हुआ है। मैं उपायुक्त महोदय से आजसू पार्टी के नेतृत्व में हम लोग एक मांग पत्र देने आए हैं कि अविलंब उस क्षेत्र में सफाई के चालू किया जाए। इसके साथ साथ मखदमपुर फाटक के समीप जो अंधेरा रहता है वहाँ पर हम लोग हाईमास्ट लाइट का भी मांग किए हैं कि हाईमास्ट लग जाए तो वहाँ पर आने जाने लोगों को राहत मिलेगी। इसके अलावा उस क्षेत्र में जो गंदगी है उसको सफाई करके वहाँ पर पाथवे और पेड़ का सौंदर्यीकरण कराया जाए, जिससे कि लोगों को वहाँ रहने में सुविधा हो। और हम लोग एक और मांग कर रहे हैं कि 2 लाख आबादी उस क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज सड़क की स्थिति देखिएगा, वहाँ आने जाने में लोग आए दिन कुछ ना कुछ दुर्घटना घटती है। यही चंद मान लो कर हम लोग उपायुक्त से मिलेंगे, अगर हमारी बातों को गंभीरतापूर्वक नहीं लेंगे तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। दिन भर की ताज़ा अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।